मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें तीन लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार उक्त जख्मियों में एक पक्ष से रामेश्वर राय की पत्नी धर्मशीला देवी और इनका बेटा श्रीमल कुमार और वहीं दूसरे पक्ष से स्वर्गीय नरसिंह यादव का पुत्र गुड्डू यादव जख्मी हो गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों पक्षों में मामूली बात को लेकर नोक झोंक शुरू हुई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार कर दिया, जिसमें तीन लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। मेरी छुट्टियाँ में लड़की है, उसकी छेड़खानी कर रहा था। हम दो चार दिन से लोग मना कर रहे थे, ये लोग माना नहीं। इसके बाद जी सर्विस में है और लोग चार पाँच आज क्या हुआ ये बताइए। आज हुआ कि हम दो चार दिन से मना करते, लोग माना नहीं। इतना देर करिएगा जब लोग मना किए तो उनके हम पे गाली उली देने लगा, गाली उली देने लगा। इसके खींच में हमको भी खींच आया, गुस्सा से हम भी मार पीट हो गया। लोग पाँच भाई जब मारे हमको मार गया, जबरदस्ती में अल्कोहल डाल दिया, मेरा सिर फूट गया। कितने लोग हुए हैं जख्मी इस मारपीट में जी? आप लोग की तरफ से कितने लोग जख्मी हैं? और उधर से जो है आपके सामने है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुड्डू यादव। गुड्डू यादव क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू हम गोलू। बार बार मेरा भाई को बोलता है दारू बेचने के लिए, हम भी स्कूल जाते हैं तो बोलता है कि मेरा दारू ले जाओ। नहीं ले जाने पर बहुत मार मारा है घर में घुस कर, और बोलता है कि भाई कर दूंगा हो ना, थाना पार भाई को भी गाली देता है कि मेरा पुलिस प्रशासन कुछ नहीं उखाड़ेगा। हम दारू बेचते हैं और तुमको औकात है तो तुम रोक सकते हो। आज क्या हुआ? दस पंद्रह को बुलाया है, दारू पिया है, मेरे घर में घुसा है, मारा है मेरी माँ को और हमको मेरे भाई को हाथ तोड़ा है मार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमल कुमार, मेरे भाई का नाम निर्मल कुमार, मेरा माता जी के नाम धर्मशीला देवी। कहाँ घर है? मेरा घर दौलतपुर पड़ेगा। कौन था ना?